अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज शान एंड यू आर वाचिंग शानी ओपी व्लॉग्स। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोग जा गए होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को और प्रेस सेट कर लें। आज पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का फाइनल है। अच्छा, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि हमारे सेंटर में स्क्रीन लगी तो मैं जो हूँ किसी और क्या मैच देखूंगा। जहाँ पर मैंने पिछला सेमीफाइनल देखा था, जो हमारा टीवी है वो एक तो छोटा है और दूसरा जो है उसमें अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो उसमें ब्लर 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 जैसी लाइन आ रही होती है, जिस वजह से मैं जो हूँ कहीं और रिकॉर्ड करूंगा। इंशाल्लाह ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वाला ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा जानदार मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से इसमें रिएक्शन आने वाले हैं, पूरा ब्लॉग होने वाला है ये। आप लोगों ने कहीं से भी बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। शुरू करता हूँ अपना ब्लॉग छोटे से इंट्रो के बाद। सेकेंड इनिंग शुरू हो गई है, फर्स्ट इनिंग मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं और शाहीन ने बॉल कराई है। ये देखो उस्ताद, ये देख लो खाली एक दफा, बस ये देख लो, ये आई और ये घुस गई अंदर। मज़ा आ गया भाई साहब। फर्स्ट इनिंग मैंने दिखाई नहीं, 139-40 का स्कोर है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, पहली विकेट उड़ चुकी है, हेज जो गॉन हो चुके हैं, जा चुके हैं, जहाँ से वो आए थे वो उधर ही घुस गए। बटलर खड़े हुए हैं, लगता है या तो वो हम उनका मक्खन बना देंगे या वो हमारे मक्खन की तरह लगा के खा जाएंगे। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन जब भी आफरीदी नाम का कोई बंदा टीम में होता है ना तो टीम का अलग ही एक लेवल होता है जो कि आज आपको दिखने वाला है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, देखो देखो देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज जीतेंगे। नसीम आया और ये चौका खाया। चल कोई बात नहीं होता है। बाकी बाबर आजम ने भी आज कुछ नहीं खेला। शान मसूद जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान की शान जो है आज वो थोड़ा सा स्कोर करके गए, बाकी और किसी ने कोई भी स्कोर नहीं करा। बाबर भी कुछ नहीं कर पाया, रिजवान भी कुछ नहीं कर पाया। वो इंशाल्लाह आज बॉलिंग चलेगी। और है मोहम्मद हारिस ने आज थोड़ा सा उसने पावर प्ले में आगे खेला जिस वक्त रिजवान आउट हुआ, लेकिन उसके बाद वो चल नहीं पाया। वैसे बॉल अच्छी करी थी इसने। चाहे दूसरी विकेट लेते हुए रिव्यू ले लिया गया है। ये देखो आप लोग कैसी खतरनाक बॉल कराई। ये क्या बॉल हो सकती है, बहुत बार है। नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत बार बॉल है। ये क्या होने वाला है, बैट इन बॉल तो नहीं है। बटलर है हाँ, नहीं सॉल्ट है, सॉल्ट। बहुत खतरनाक हालात, क्या होगा, बॉल बाहर जा रही है। शाहीन ने गलत रिव्यू ले लिया है मुझे लगा, खड़े हुए सारे चार्ज हो गया। अच्छा फिर हम जा, एडिटर आ गया आप लोगों का और फिर दूसरी विकेट भी जा चुकी है यार। कुछ अभी बैठ जाओ ना, इनका कैमरे में घुसा चला जाओ, बैठ जा, आउट हो गया, दे दो अरे मैच
उधर चल रहा है, देखो उधर देखो सामने। हाँ अच्छा ये इधर देखते चल रहा है, फर्स्ट इनिंग में आप लोगों को दिखाई नहीं सका क्यों, क्योंकि अपना कुछ खास हुआ ही नहीं, जो भी आओ सेकंड इनिंग में होगा, या तो कब आएगा या तो कब जाएगा, दो में से एक कहानी होगी। इसलिए सामने वाले कैमरा लगा दिया कि हमारे रिएक्शन ही आ जाएंगे सारे, बाकी उधर जो है वो धुलाई चल रही है पाकिस्तान की, चल रहा है ना देख लो ना, आ जाओ। अरे बैठ जाओ खाली, आज तक जीतना है, इधर सामने आके दो उधर से आके उधर आके दो कैमरा मैन हमारी, बाकी हमने दो यहाँ पर मोहम्मद अभी वहाँ बैठे बैठे इनको भेजता रहता है, मोहम्मद अभी बहुत भारी हो गया है यार, इधर जगह चेंज करो ज्यादा भाई ने बॉलिंग करी है, मजा ही आ गया, कैमरे खुल गए हम लोगों के, ये देखो यार अल्लाह कहा आपने विकेट निकलवा दी, ये शाहिद ओ खैर हो गई शाहिद, और ये देखना ये भी लेट गया, ये भी ओ खैर था, यस यस एक उम्मीद और आई है शादाब भाई, यू ब्यूटी यार, मैच अब अटक गया, वाकई बता रहा हूँ, 8 ओवर में आ रहा है लिविंगस्टन, आ रहा है लिविंगस्टन, आ रहा है और इंशाल्लाह जा रहा है, आते ही जाएगा, 8 ओवर में 55-56 रन चाहिए, 4 विकेट आउट हो चुकी है, मैच अटक चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा मैच हो भाई, मैच के हालात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी इंजर्ड होगा जिसकी वजह से उनका जो ओवर था वो कराना पड़ गया इफ्तिखार चाचा को, और उन्होंने ओवर में 10 रन खा लिए, और अगले ही 2 बॉलों में 10 रन और पड़ गए, यानी कि टोटल 4 बॉलों में 20 रन पड़ गए, जिसकी वजह से मैच जो है वो खतरे में आ गया है, 20 बॉलों में 17 रन रह गए हैं, ये कुछ सूरत हाल चल रही है, देख लें 19 बॉल 16, अब उसके शाहीन इंजर्ड हो गया, वहाँ मसला हो गया सारा, तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ही बचा ले आज, अल्लाह ताला इज्जत रखकर बचा ले आज, बाकी अल्लाह वाले के देखते हैं क्या होता है, 18 बॉल 12 रन रह गए, अब क्या होगा भाई, अब पता नहीं क्या होगा, ये तो यहाँ अपने मोबाइलों में लगे पड़ा है, मैं क्या कर सकते हैं, इन लोगों का इधर हमारा जो मसला है वो बहुत खतरनाक हो गया, सिर्फ शाहीन की वजह से जीता जिताया मैच तो अच्छा खासा जीत गए थे हम, आखिरी बॉल में भी चौका लग गया, वो भी इनसाइड एज होकर बल्ले से निकल गए, किस बात का आ रहे हैं, बॉल समझ में नहीं आई, पूरी बॉलिंग रहो वो कर रहे थे सारे, इससे कर रहे थे सिवन, क्या बोले यार, बहुत मसला हो गया, पता नहीं क्या होगा, ओ यार शुक्र है 10 बॉलों में 6 रन रह गए, और जो हमारे जो वसीम जूनियर भाई हैं उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान अभी भी गेम में है, बहुत कम है, लेकिन चाह से ये देखो कैसे बोल करा इसको, मुझे नहीं ये देखो एंड साइड एज और ये बोर्ड, बहुत अच्छी बॉल करी क्या नाम है लाइम लिविंगस्टन आ चुके हैं, मैच बहुत बहुत बताऊँ, सिर्फ शाहीन अगर इंजरी नहीं होती, कौन सा चक्का, कोई चक्का वक्का आउट होगा, आउट होगा, आउट होगा, अगर वो शाहीन इंजर्ड नहीं होता ना, उसके पैर मुर्गिया कैच पकड़ते वक्त, ब्रूक का जो उसने कैच पकड़ा उस पर उड़ रहा है, बचा तो हो गई, उसके लग गई बॉल, उसने कैच तो पकड़ लिया, बस वो उसकी टांग उड़ गई, ये कहा ये बंदे ने स्टेटस लगाए थे अपने व्हाट्सएप पर, पाकिस्तान जिंदाबाद और उसके, लेकिन उसके सारे के सारे वापस कट कर दिए, सब डिलीट कर दिया, कौन सा छक्का है, इसको मारो, इसको मारो, ये पाकिस्तानी नहीं है, इसको मारो सारे मिल के कैमरे में से, और अगर प्लीज़ आप चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ कर दो यार।
बहुत मेहनत लगती है और दिल बहुत उदास हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आखिरी ओवर अगर किसी का बाकी है तो वो किसका बाकी है? आफरीदी का नहीं, किसका बाकी है? सब सबके ओवर तो होगा, बचा कौन है पता नहीं। डर को पता नहीं, बचा होता है निकाल लेगा। ये देखो फुल तो लो, ये लो, रुक 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 अब क्या करता है यार। गुड बाय टाटा अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप था, हमने खेला, अल्लाह में यहाँ तक लाया, बस बहुत अलग हो गया। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत गलती से इंसान सीखता ही अपनी, उन्होंने करी गलती, बस हुआ। देखो क्या 50 रन कर गए, कितनी बॉलों में 50 रन करे? ये देखो ये 40 कुछ बॉलों में कर गया यार, 47 में 50। देखो ये कम बॉलें, कितनी बॉलें खेलकर भी उसने 50 रन करे, लेकिन वो भी कितने कामयाब 50 है। इसके 50,000 तो स्कोर बचता क्या है, बस हार गए। और यहाँ पर भी बस ब्लॉग एंड हो जा रहा है। आप लोगों का चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत प्लीज़ भूलिएगा। ये बहुत खुश हो रहा है, इसको मैं दिल चाह रहा है इसको मैं जान से मार दूँ, इसको बम से उड़ा दूंगा, ये एक बार हाथ में आ जाए। कोई बात नहीं, क्रिकेट है, क्रिकेट में तो सब कुछ होता है। बाकी अगले साल जो है वो क्या रहा है, अपने चैंपियंस ट्रॉफी है, पता नहीं क्या है। ये आया और ये बॉल मैच, तो ये सही 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 कोई नहीं कोई नहीं। देखो ये मैच है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं बोल रहा। ये देखो ये याद बंदा लिख के बैठा हुआ कि जैसे पाकिस्तान हारे और ये स्टेटस लगा दे। ये देखो ये जीतने के लिए तैयार, खुशी के लिए तैयार खड़े हैं, हमारे नसीब में नहीं थी ये खुशी। लेकिन फिर भी हम इंडिया वालों की तरह नहीं आ रहे, उन्होंने तो सूद के रख दिया था। ये देख लो ये आ रहा है बॉलर और ये तो, और ये खासा हम जीत गए और ये ब्लॉक एंड, बस समझ लो ये फाइनल जीत। यहाँ पर ब्लॉग को एंड, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।